हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल। देखिए, जैसा आपको पता है, डेली 8 PM पे हमारी क्लास होती है जीके की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले पटवारी के एग्जाम के लिए। आज हमारी 23वीं क्लास है, ठीक है। इससे पहले 22 और क्लासे मैं लगा चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। प्ले लिस्ट मैंने बना रखी है, जिसका लिंक मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन में आप जाकर जो है उस प्ले लिस्ट में देखिएगा, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन उनमें भी इंक्लूड कर रखे हैं मैंने। और आज की जो हमारी क्लास है, इसकी PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप से। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मैंने दे रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको वहां से ज्वाइन करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो आप टेलीग्राम पर जाकर जो है सिंपली हमारे चैनल का नाम सर्च कीजिएगा, HP कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो आप जो है वहां से हमारे जो ग्रुप है टेलीग्राम का, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज हम चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। देखिए, एक क्वेश्चन जो है मैं वीडियो के एंड में आपसे पूछता हूँ। तो कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, दुनिया का पहला घरेलू कंप्यूटर कौन सा था, ठीक है। जो भी मैं क्वेश्चन पूछूंगा उसका आंसर जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दिया करूंगा। तो दुनिया का जो पहला पर्सनल कंप्यूटर था, ठीक है, यानी पहला घरेलू कंप्यूटर था, उसका नाम था Altair 8800, ठीक है। ये आपको याद रखना है, Altair 8800 जो है इसका नाम था। तो आज के हम वीडियो की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, छत्रु जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है, ठीक है। छत्रु जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, वो कौन से जिले में है? तो यह है आपका लाहौल स्पीति में। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो जो लाहौल स्पीति की जो तीन मुख्य हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, उनके बारे में आपको बता देता हूँ। लेकिन उससे पहले जो है हम छत्रु के बारे में बात करेंगे। तो आपसे अगर क्वेश्चन में आ जाए कि छत्रु इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ये बना कौन सी नदी पे है, तो आपको याद करना है ये बना है चिनाब नदी के ऊपर, ठीक है। कौन सी नदी के ऊपर है? चिनाब नदी के ऊपर है। और इसकी जो कैपेसिटी है वो है 108 MW की, ठीक है। इसकी कैपेसिटी कितनी है? 108 MW की। इसके अलावा जो है लाहौल स्पीति में दो और जो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है हमारे, एक का नाम है रोंगटोंग, ठीक है, एक का नाम है रोंगटोंग और दूसरा जो है इसका नाम है थिरोट, ठीक है। एक सोंगटोंग है जो कि किन्नौर में है, तो इनमें आप कंफ्यूज मत होना। सोंगटोंग जो है वो किन्नौर में है, रोंगटोंग लाहौल स्पीति में है। और वहीं पे अगर हम ऑप्शन से बात करें तो हमीरपुर में है धौला सिंह, ठीक है। धौला सिंह ये कहाँ पे है? हमीरपुर में है। और इसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो है 66 MW। और ये बना कौन सी नदी के ऊपर है? तो व्यास नदी के ऊपर बना है, ठीक है। बिलासपुर का आपको पता है, यहाँ का जो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है उसका नाम है कॉल, ठीक है, कॉल डैम। और ये बना हुआ है सतलुज बांध पर, सॉरी सतलुज नदी के ऊपर। और इसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो है 800 MW, ठीक है। किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो NTPC, ठीक है। क्वेश्चन आता है इससे, कोल डैम से, तो आपको याद करना है NTPC द्वारा चलाया जा रहा है। 800 MW किसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है। पूरे हिमाचल की बात करें तो पूरे हिमाचल की जो इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है वो है 27,000 MW, ठीक है। 27,000 MW तक पहुंच चुकी है हमारी इलेक्ट्रिसिटी की जो प्रोडक्शन की कैपेसिटी है वो। और पूरे भारत का 25% इलेक्ट्रिक जो है वो हिमाचल प्रदेश प्रोड्यूस करता है, ठीक है। पूरे भारत का 25% बिजली का जो उत्पादन है वो हिमाचल प्रदेश से होता है, आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलें, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए करें यार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, किस नदी का संबंध भगवान सूर्य से है, ठीक है। कौन सी नदी का संबंध जो है सूर्य भगवान से है? तो ये है हमारी यमुना नदी, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इस नदी को काली नदी या कालिंदी के नाम से हम जानते हैं, तो कालिंदी भी आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। कालिंदी के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी पूछा जाए तब भी आपको इसी के ऊपर टिक करना है। हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी है यमुना, ठीक है। सबसे बड़ी कौन सी है? तो सतलुज जो है सबसे बड़ी है और सबसे छोटी है यमुना नदी। और हिमाचल प्रदेश की पूर्वोत्तर नदी भी यही है। हिमाचल प्रदेश में जो है, हिमाचल प्रदेश को छोड़कर कहाँ जाती है क्वेश्चन आता है, तो ये जाती है हरियाणा के अंदर, ठीक है। कौन से राज्य में प्रवेश करती है? तो हरियाणा के अंदर जो है प्रवेश करती है, ताजेवाला में जो है हिमाचल प्रदेश को छोड़कर। निकलती कहाँ से है? तो यमुनोत्री से निकलती है। इसका उद्गम स्थल जो है वो है यमुनोत्री, ठीक है। उद्गम स्थल पूछा जाता है तो आपको याद करना है, यमुनोत्री जो है इसका उद्गम स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिका ठंडे पानी का झरना किस जिले में स्थित है, ठीक है। कालिका जो कोल्ड वाटर स्प्रिंग है वो कौन से जिले में लोकेटेड है? तो यह है आपका चंबा के अंदर, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें मंडी से, तो मंडी में कौन सा है? तो मंडी का जो झरना है उसका नाम है तत्ता पानी, ठीक है। तत्ता पानी आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा, तो यह है मंडी का। किन्नौर की बात करें तो किन्नौर में है टापरी। किन्नौर का कौन सा है? किन्नौर का है टापरी, ठीक है। तो ये आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कियार दादून घाटी किस जिले में स्थित है, ठीक है। कियार दादून जो वैली है वो कौन से जिले में लोकेटेड है? ये आपकी सिरमौर के अंदर,
इसका जो नाम है आपको कहीं कहीं पे जो है पांवटा घाटी के नाम से भी पूछा जाएगा, ठीक है। या तो लिखा होगा क्यारदादून घाटी और या पांवटा घाटी आपको लिखा होगा, तो ये कहाँ पे है, ये है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के अंदर। शिमला से बात करें तो बब्बर घाटी आपने सुना होगा, तो वो कहाँ पे है, शिमला के अंदर है, ऊना से, जो कि काफी टाइम पूछा जाता है। तो सवां घाटी, ठीक है, सवां घाटी कहाँ पे है, ऊना में। और सोलन से है आपकी कुनिहार घाटी या दून या सपरून घाटियां, ठीक है। कुनिहार घाटी, दून और सपरून घाटी ये कहाँ पे है, ये है सोलन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, केंद्र और राज्य के बीच में, ठीक है, संबंध विवरण, संबंध का जो विवरण है वो संविधान के किस भाग में दिया गया है, ठीक है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच का जो संबंध है उसके बारे में संविधान के कौन से भाग में बताया गया है, तो ये बताया गया है भाग 11 में, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। भाग 11 में जो है आर्टिकल आपका 245 से लेके 255, ठीक है, 245 से लेके 255 तक जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच जो संबंध है उनके बारे में बताया गया है। हमारे जो संविधान है उसमें टोटल कितने भाग है, तो 22 भाग है और 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है, 12 जो है शेड्यूल है और टोटल जो है 22 भाग है हमारे संविधान के, आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलें। कन्नौज का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था, ठीक है, कन्नौज का जो युद्ध था वो किसके बीच में लड़ा गया था, तो ये लड़ा गया था आपका हुमायूं और शेर शाह के बीच में, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन आएगा कि ये युद्ध हुआ कब था, तो आपको याद करना है 17 मई 1540 में, ठीक है, 17 मई 1540 में जो है हुमायूं और शेर शाह के बीच में जो है युद्ध हुआ था, और हुमायूं जो है इस युद्ध में भाग गया था, ठीक है, मैदान छोड़कर भाग गया था और 15 साल तक जो है वो एक भगौड़े के रूप में रहा था, मतलब 15 साल जो है वो सामने नहीं आया था, वो भाग गया था 15 साल तक। तो ये आपको याद करना है 17 मई 1550 में जो है युद्ध हुआ था हुमायूं और शेर शाह के बीच में, कन्नौज का युद्ध। नेक्स्ट देखिएगा, FIFA यानी फीफा का जो पूर्ण रूप है उसकी फुल फॉर्म है वो क्या है, ठीक है, इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है, वो है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1904 में, ठीक है, स्थापना पूछ ली जाती है, तो इसकी स्थापना हुई थी 1904 में। और इसका काम क्या है FIFA का, ठीक है, फीफा का जो मेन मकसद है वो है मैन और वुमेन जो वर्ल्ड कप होते हैं फुटबॉल के, उन्हें जो है हेल्ड करना, ठीक है, उन्हें कौन करवाता है, मैन का वर्ल्ड कप हो फुटबॉल में या वुमेन का वर्ल्ड कप हो, वो करवाता है आपका फीफा यानी फेडरेशन इंटरनेशनल, ठीक है, डी फुटबॉल एसोसिएशन, इसकी स्थापना हुई थी 1904 में, ये भी आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस तरह के वन भारत में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है, किस तरह के जो फॉरेस्ट है वो भारत में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, तो यहाँ हमारे पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ठीक है, ये जो है भारत में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। इनका नाम आपको मानसून वन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, इन्हें जो है मानसून वन भी कहते हैं, तो मानसून वन भी आएगा अगर ऑप्शन में, तो उसके ऊपर भी आप टिक कर सकते हैं। ये जो है भारत में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, इनकी जो वर्षा है वो है 70 से लेके 200 सेंटीमीटर तक, ठीक है, वर्षा जो है 70 से लेके 200 सेंटीमीटर तक इन वनों में जो है बारिश होती है। वैसे सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, तो मेघालय के मासिनराम में जो है सबसे ज्यादा वर्षा होती है, आपको याद करना है, और वर्षा को मापते हैं रेन गेज के सहायता से, ठीक है। ये जो हमारे वन है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ये पश्चिमी घाट और उड़ीसा साइड ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है, पश्चिमी घाट और उड़ीसा साइड वन जो है सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, और भारत में सबसे ज्यादा वन भी जो है यही है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के नपरा चावल को जो है GI टैग दिया गया है, ठीक है, जियोग्राफिकल इंडेक्स इंडिकेशन टैग जो है किस राज्य के चावल को दिया गया है, तो ये है आपका किस राज्य का, ये है केरल राज्य का, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी केरल राज्य का जो है 2019 में ही मरियूर गुड़ को भी जो है GI टैग दिया गया, ठीक है, मरियूर गुड़ से भी क्वेश्चन बन सकता है, GI टैग से भी एक क्वेश्चन बन सकता है। तो महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में किस चीज को जो है GI टैग दिया गया, तो महाराष्ट्र में जो है अल्फांसो आम, ठीक है, अल्फांसो आम आपने सुना होगा, अल्फांसो पूछ लिया जाता है किसकी किस्म है, अल्फांसो आम की किस्म है जो कि महाराष्ट्र से जिसे जो है GI टैग दिया गया, और उड़ीसा से तो उड़ीसा की जो है कंदमाल हल्दी, ठीक है, कंदमाल हल्दी को जो है GI टैग दिया गया, और हिमाचल प्रदेश से तो हिमाचल प्रदेश का काला जीरा और चूली का जो तेल होता है
उसे जो है जीआई टैग दिया गया 2019 में, ठीक है। काला जीरा और चुली के तेल को, और कर्नाटक में सिरसी सुपारी, ठीक है, कर्नाटक का सिरसी सुपारी, तो ये सिरसी सुपारी जो है कर्नाटक में इसे जीआई टैग दिया गया। और सबसे ज्यादा अगर सुपारी का प्रोडक्शन कोई राज्य करता है भारत में, तो कर्नाटक जो है सबसे ज्यादा सुपारी की जो प्रोडक्शन है वो करता है भारत में, आपको याद करना है। और भी कई प्रमुख जो है जीआई टैग है, ठीक है। अब क्वेश्चन आएगा, सबसे पहला जो जीआई टैग है वो भारत में किस चीज को दिया गया था, ठीक है। तो सबसे पहला जो जीआई टैग दिया गया था वो दार्जिलिंग की जो चाय है, ठीक है, हमारी कांगड़ा जो चाय है उसे भी जीआई टैग मिल चुका है, ठीक है। तो दार्जिलिंग की जो चाय है उसे पहला यानी फर्स्ट जीआई टैग दिया गया था, ठीक है। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल की जो चाय है काफी फेमस है, उसे पहला जीआई टैग दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्योति तीव्रता का जो एसआई मात्रक है, ठीक है, वो क्या है, ठीक है। लाइट इंटेंसिटी का जो एसआई यूनिट है वो आपको बताना है, तो इसका जो यूनिट है वो है कैंडेला, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, केल्विन किसका है, तो केल्विन है टेम्परेचर का यूनिट, और किलोग्राम वेट का, एम्पियर है आपका करंट का यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है, ठीक है। संजय गांधी नेशनल पार्क जो है वो कौन से राज्य में स्थित है, सॉरी, ठीक है। तो यह आपका कौन से राज्य में, ये है आपका महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका जो पुराना नाम था वो था बोरीवाल राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। क्वेश्चन जो है वहां से भी आ सकता है इसका पुराना नाम, तो बोरीवाल जो है इसका पुराना नाम था बोरीवाल राष्ट्रीय उद्यान। अच्छा, मध्य प्रदेश का पूछा जाता है, तो काफी टाइम एग्जाम में आ जाता है मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश का आपको याद रखना है कान्हा नेशनल पार्क, ठीक है। कान्हा नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है, दुधवा नेशनल पार्क जो कि है उत्तर प्रदेश में, और उड़ीसा से है चिल्का, ठीक है, चिल्का नेशनल पार्क। चिल्का झील भी है जो कि भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है खारे पानी की, ठीक है। तो यह है उड़ीसा में, और चिल्का जो है आपको याद करना है ये क्या है, एक पार्क भी है जो कि लोकेटेड है उड़ीसा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, निम्न में से कौन सी धातु अधातु सॉरी विद्युत की सुचालक है, ठीक है। अधातु या नॉन मेटल जो है विद्युत की सुचालक है, गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की, कौन सी धातु है वो है ग्रेफाइट, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा का जो पूर्ण रूप है वो क्या है, ठीक है, आपको बताना है नासा की फुल फॉर्म। तो नासा की जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये नासा का जो हेडक्वार्टर है वो है वाशिंगटन डीसी के अंदर, और आपको मुझे बताना है इसके जो करंट एडमिन है वो कौन है, ठीक है, करंट एडमिन कौन है। जैसे नासा जो है अमेरिका की है, तो वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है, तो हमारी कौन सी है, इसरो, इंडिया की कौन सी है, इसरो, और उसके अभी अध्यक्ष है के सिवान, और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। तो नासा का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी अमेरिका में, आपको मुझे बताना है इसके एडमिन कौन है, ठीक है। मैं जे से जो है बता देता हूँ, हिंट दे देता हूँ, जे से उनका नाम जो है शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरण बेदी डैश की उपराज्यपाल है, ठीक है, कहाँ की उपराज्यपाल है करंट टाइम में किरण बेदी। तो किरण बेदी जो है वो है पुडुचेरी की उपराज्यपाल, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उपराज्यपाल बनने के लिए उम्र कितनी चाहिए होती है, तो 35 साल जो है उपराज्यपाल बनने के लिए उम्र चाहिए होती है। अभी हम जो है इन चारों जो ऑप्शन दे रखे हैं वहाँ के उपराज्यपाल के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। उपराज्यपाल होता है किसी यूनियन टेरिटरी का, यानी कि किसी केंद्र शासित प्रदेश का, और जो ये होती है यूनियन टेरिटरी, इसका कार्य जो है वो कौन संभालता है, ठीक है, इसका जो लेखा जोखा होता है वो किसके पास होता है, किसका इसके ऊपर नियंत्रण होता है, तो राष्ट्रपति का इसके ऊपर नियंत्रण होता है, ठीक है। राष्ट्रपति अगर चाहे तो उपराज्यपाल की नियुक्ति कर सकता है, अगर राष्ट्रपति को लगता है कि उपराज्यपाल की जरूरत नहीं है तो वहां पे उपराज्यपाल की जो है नियुक्ति नहीं करेगा। तो पुडुचेरी की जो अभी करंट टाइम में उपराज्यपाल है वो है किरण बेदी, जो कि बनी थी कब, 2016 के अंदर, ठीक है। अब दिल्ली की बात करें तो अनिल बैजल कहाँ के हैं, दिल्ली के हैं। लद्दाख हमारी नई यूनियन टेरिटरी बनी है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। आर के माथुर आपको याद करना है, ठीक है, राधा कृष्ण माथुर करंट टाइम में कहाँ के बने हैं, ये बने हैं लद्दाख के। और जम्मू कश्मीर का कौन बना है, तो जम्मू कश्मीर का बना है गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू बने हैं जम्मू कश्मीर में। लद्दाख और जम्मू कश्मीर का आप याद कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि अभी जो है नई यूनियन टेरिटरी बनी है और लद्दाख में जो है पहला ही उपराज्यपाल बना है, तो ये भी आप याद कर लीजिएगा, आर के माथुर और जम्मू कश्मीर के जीसी मुर्मू, ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2019 में किस देश ने जो है चेहरे ढकने वाले वस्त्र और बुरके पर जो है बैन लगा दिया है? ठीक है, कौन से देश ने जो है चेहरे ढकने वाले वस्त्र और बुरके पर बैन लगा दिया है? तो यह है हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आपको पता है श्रीलंका में कुछ देर पहले जो है, कुछ समय पहले बम धमाके हुए थे, तो उसके चलते वहां के राष्ट्रपति ने जो है चेहरे ढकने वाले कपड़े हो या बुरके हो उन्हें जो है उन पर जो है बैन लगा दिया है। ठीक है, बात करें श्रीलंका से, तो हमारा पड़ोसी देश है। मैं आपको हमेशा कहता हूँ पड़ोसी देश के बारे में आपको जो है जानकारी थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। तो यहाँ की जो कैपिटल है श्रीलंका की, वो है श्री जयवर्धनपुरे कोटे। ठीक है, और प्रेसिडेंट ने जो है इसे बैन किया है बुरके को और जो भी चेहरे ढकने वाले वस्त्र थे। ठीक है, तो प्रेसिडेंट कौन है यहाँ पे? तो प्रेसिडेंट जो है यहाँ के अभी करंट टाइम में वो है मैत्रीपाल सिरसेना। ठीक है, और वहीं पे बात करें प्रधानमंत्री की, तो रानिल विक्रम सिंघे जो है वो प्रधानमंत्री है करंट टाइम में श्रीलंका के। और यहाँ का नेशनल जो स्पोर्ट्स है, ठीक है, जो नेशनल स्पोर्ट हमारा हिमाचल प्रदेश का है, क्या है? वॉलीबॉल। वो नेशनल स्पोर्ट कहाँ का है? वो है श्रीलंका का। ठीक है, तमिल और सिन्हला जो है यहाँ की लैंग्वेज है, और नेशनल वर्ड है यहाँ का जंगल फॉल। ठीक है, जंगल फॉल यहाँ का नेशनल वर्ड है। अब एक जल संधि आपने सुना होगा, पाक जल संधि। ठीक है, पाक जल संधि या पाक जल डमरू इसे हम कहते हैं। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से देशों के बीच में है, तो भारत और श्रीलंका के बीच में। ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी जल संधि है? ठीक है, कौन सा जो जल डमरू है वो है पाक जल डमरू, ये आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, इसका जो क्षेत्रफल है वो 65,000 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, यानी हिमाचल प्रदेश से थोड़ा सा बड़ा है, 10,000 किलोमीटर के आसपास में, और हमारे राजस्थान से छोटा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, भारत किस कंपनी के बनाए अपाचे हेलीकॉप्टर खरीदेगा? ठीक है, आपको पता है 22 अपाचे हेलीकॉप्टर खरीदेगा भारत। ठीक है, कुछ एक उसमें से ले चुका है और कुछ जो है भारत में अभी शामिल होंगे। तो अपाचे हेलीकॉप्टर जो है कौन सी कंपनी से खरीदेगा भारत? तो यह है बोइंग कंपनी, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहाँ की कंपनी है? तो अमेरिका बेस्ड कंपनी है। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है किस देश से खरीदेगा, तो अमेरिका के ऊपर आपको टिक करना है। अच्छा, कौन सी कंपनी से खरीदेगा? तो बोइंग से खरीदेगा। ठीक है, ये आपको याद करना है, अमेरिका की जो है एयर स्पेस कंपनी है ये। और ये जो आपका अपाचे हेलीकॉप्टर है, ये पहली बार उड़ाया गया था 1975 को। ठीक है, 1975 में जो है पहली बार उड़ाया गया था। अब डेली की भांति जो है एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, आपको बताना है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB के जो है वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ठीक है, CPCB के वर्तमान जो अध्यक्ष है वो कौन है, इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, शेयर जरूर कर दीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा एक बार। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, हैव अ गुड डे।